नमस्ते, मैं हूँ मनीषा। जस्ट एमी रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम ब्रेकफास्ट वाली रेसिपी देखने वाले हैं, लिक्विड पालक पराठा। तो ये 5 मिनट में बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो शुरू करते हैं हम इसकी रेसिपी। यहाँ पे हमने एक पालक की गड्डी ली है, ये 400 ग्राम है। उसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यहाँ पे हमने मिक्सर की जार ली है, इसमें हम अभी पालक को डालेंगे। इसमें हम अभी थोड़ा पानी डालेंगे और इसके हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसके पेस्ट बना ली है। यहाँ पे हमने ये मेजरमेंट कप लिया है, इसमें हम इसको अभी माप के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी 1 कप पालक की पेस्ट बनी है। बड़े बाउल में हम अभी पेस्ट को डालेंगे। इसमें हम अभी आटा डालेंगे 2 कप। 1 कप पहले हमने आटा डाल दिया है, ये दूसरा हम डाल रहे हैं। इसमें हम अभी 2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। इसमें हम अभी 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धना पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल बना लेंगे पराठे के लिए। तो घोल हमें ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरह का हमें ये घोल चाहिए। अब हम इसे तवे पे ऊपर डालेंगे 1 चम्मच और इसे हम स्प्रेड करेंगे इस तरह से। हल्के हाथ से हमें इसे स्प्रेड करना है, ऐसे गोलाकार में। इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसके ऊपर स्प्रे लगाएंगे ऑयल का। अब हम इसे पलट देते हैं। इसे हम अभी प्रेस करके अच्छी तरह से सेकेंगे। दूसरे साइड को भी हम ऑयल लगाएंगे। इसे हम दोबारा पलट देते हैं और फिर से इसे अच्छी तरह से प्रेस करके सेक लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये पराठा बना है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, गर्मा गर्म लिक्विड पालक पराठा रेडी है। इसे आप दही, अचार और बटर के साथ परोसिए। इसके साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, प्यार से बनाइएगा, प्यार से खिलाइएगा। मेरी रेसिपी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइएगा, तो आप हमारी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। मिलते फिर ऐसे ही नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।